के बारे में कुछ आपके बारे में बताइए और आपकी सिंगिंग की जर्नी के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। मेरा नाम कमल मिश्राम है, मैं एक काफ़ी छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है तिरोड़ा। ये नागपुर से कुछ 130 किलोमीटर टूवर्ड गोंदिया आता है। एंड अबाउट माई सिंगिंग, मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए ली नहीं है। जब मैं छोटा था तब मैं जो है म्यूज़िक क्लासेस जाया करता था, बस उतना ही मेरा सिंगिंग का ट्रेनिंग है एंड उसी से मैंने सीख के अपने एक्सपेरिमेंट सिंगिंग के रिलेटेड किए हुए हैं। तो आपको कब से ऐसा लगा कि यानी कि आपको सिंगिंग करना चाहिए, मींस कि आप मींस आपका कोई उस लेवल पे जैसे कि बचपन का कोई इंसिडेंट या कोई चीज कि आपको लग रहा है कि आप एक बड़े सिंगर बन सकते हो? तो एक छोटे से गांव से हो आप, अभी अभी जस्ट वहां पर अदानी इलेक्ट्रिक सिटी का ने भी वहीं से शुरू किया है चीजें, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप एक बड़े सिंगर बन सकते हो, यानी कि जस्ट थोड़ा 2002 या 2003 की बात होगी, जब मैं कुछ 6th या 7th स्टैंडर्ड में होगा, तो हमारे पेरेंट्स का जो है गेट टुगेदर था, तो उस टाइम पे जो है दे इनकरेज मी टू सिंग इन दैट। तो मुझे लगा कि मैंने एक सिंगिंग करना चाहिए उसमें, तो मैंने एक सॉन्ग परफॉर्म किया था और उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, तो तब मुझे लगा कि आई शुड कंटिन्यू दिस जर्नी इन फ्यूचर। जानना हम लोग ये जस्ट जानना चाहते हैं कि अभी हमने सुना है कि काफी हाई प्रोफाइल का आपको उड़ीसा बेस एक इवेंट मिला हुआ है जिसका नाम है इनक्रेडिबल उड़ीसा फैशन शो 2019, और मैंने सुना है कि काफी बड़े लेवल के पॉलिटिशियन भी उस इवेंट में जुड़ रहे हैं, तो आप मुझे उस इवेंट के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, ये काफी जो है हाई प्रोफाइल इवेंट है, इसमें CM उड़ीसा नवीन पटनायक जी इन्वॉल्व है, अदर देन दैट प्रदीप चंद्र सारंगी जी भी इसमें इन्वॉल्व। हाँ, प्रताप चंद्र सारंगी सर इसमें इन्वॉल्व है, जो कि जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के जो है काफ़ी अच्छे ऑहदे पे मिनिस्टर हैं। तो विश में लग कि ये इवेंट जो है काफ़ी अच्छा हो एंड आई होप दिस विल बी द सक्सेसफुल इवेंट ऑफ माई करियर। आपके करियर के में जो आपने कुछ एल्बम्स वगैरह कुछ किए होंगे, जैसे कि एक इंटरनेशनल एल्बम आपने किया हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने जो है 2017 में एक इंग्लिश सॉन्ग लिखा था जिसका नाम था लैबोज, सो इट वाज इंग्लिश स्पेनिश सॉन्ग, जो मतलब मैंने उसका प्रोग्रामिंग जो है मैंने यूक्रेन के एक पिंकमैन करके एक प्रोग्रामर है, म्यूजिक प्रोग्रामर, उनसे मैंने उसका प्रोग्रामिंग कराया था एंड उसका सिंगिंग मैंने किया था कंपोज करके। आप सिर्फ सिंगिंग ही करते हो या योर कंपोजिंग आल्सो, मींस लाइक योर म्यूजिक डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट, यू वांट टू बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट और समथिंग यानी कि अबाउट योर कंपनी एंड अदर्स इफ यू टेल अस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपने आप को जो एज अ वोकलिस्ट ही डेवलप करना चाहूंगा, बट आई एम गुड एट म्यूजिक कंपोजिंग एज वेल, जैसा मुझे अभी तक एप्रिसिएशन मिला हुआ है उसके साथ। ओके, और मैंने सुना है कि आपकी आईटी कंपनी भी है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ जी। और क्यों करना चाहते हैं, यानी कि आप क्यों एक ही प्रोफेशनल नहीं म्यूजिक को लेकर नहीं चलना चाहते हैं समथिंग? वेल, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो इसलिए जो है मैं अपने आप को जो है सभी वाइडर सेक्शन में जो है डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने एक आईटी कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है विट्टल विजन आईटी एंड मीडिया सॉल्यूशंस। उसमें मैं वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग एंड अदर जो है आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज होती है एंड मीडिया रिलेटेड वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। कंपटीशन के दौर में आपको क्या लगता है, आप एक छोटे शहर से हो, आपको कितना प्रोत्साहन मिलेगा मुंबई जैसी सिटी में या बॉलीवुड में? सी, अगर मेरा काम अच्छा है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ की इंडस्ट्री जो है मुझे अडेप्ट करेगी। और किसी मैंने एक अच्छे शख्स से इस बारे में सुना था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री सभी को अडेप्ट कर लेती है, किसी को छोटे पैमाने पे या किसी को बड़े पैमाने पे, इट डिफर्स कि उसका डेडिकेशन वो इंडस्ट्री के प्रति कितना है। हिंदी के अलावा और कौन सी लैंग्वेज में आप सिंगिंग करते हो और आप जाना चाहोगे एक्चुअली और इंडस्ट्री में? हिंदी के अलावा मैं मराठी एंड इंग्लिश में मैं करता हूँ,
मेरा जो ये है मतलब क्या कहेंगे उसे मतलब प्रोफेशनल हाँ प्रोफेशनली आपको हिंदी में ही हिंदी में मैं जाना ज्यादा पसंद करूँगा। अगर अभी जो सारे रिमेक्स और ये सारी चीजें चल रही है और आप फोक और क्लासिकल सिंगर हो सो व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना कामयाब होगा क्योंकि आज का जो दौर है वो रैप और बाकी बादशाह वगैरह के टाइम का है तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये कामयाब होगा? सी अगर मेरे म्यूजिक में अगर मेलोडी है तो डेफिनेटली पीपल विल लाइक दैट। ओके अगर हम लोगों को कुछ अगर छोटा सी आपको सुना सकते हो कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ कि हम आपकी म्यूजिक को या आपकी चीजों को किस लेवल पर प्रदर्शित करें तो आप ओरिजिनल सुनना चाहेंगे या फिर कोई बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग आपके जो अपने संगीत जो आपने गाए वो कुछ दो बोल गा के आप सुना दीजिए। ओके ra na ra 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 na ra 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 अब मैं तेरा हो गया वे तू तो ये सोच जरा सा मैं तो हूँ तेरी राधा करके अधूरा ये वादा छोड़ के न जावे आपके फ्यूचर प्लान्स यानी कि जैसे कि अभी आपने दो एल्बम्स किए हुए हैं और 2016 से 18 के बीच में आई थिंक आपके एक या दो एल्बम ही रिलीज हुए हैं हाँ। तो कुछ फ्यूचर प्लान है आपके कि आप किस तरीके से यानी कि आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे? डेफिनेटली जो है मैं जितना काम मैंने अभी तक के किया हुआ है मैं उसे जो है पहले पिच करना चाहूँगा एंड आई हैव बैकअप मतलब मेरे पास में मेरे खुद के ओरिजिनल कंपोजिशंस इतने हैं लाइक 50 आई हैव 50 प्लस ओरिजिनल कंपोजिशंस विद मी। अगर मुझे कुछ ऑफर नहीं भी होता है तो कैसा 4-6 महीने में एक 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 करके मैं करता रहूँगा तो वो भी 10 साल का बैकअप तो मेरे पास में अभी है। एक और आखिरी सवाल आपसे एक्चुअली सिद्धि टेलीविजन बहुत जल्दी ऑन एयर आ रहा है और हम जानना चाहेंगे कि उसके प्रति आप क्या कहना चाहोगे और कुछ उसके लिए शुभकामनाएं अगर आप तो देना चाहोगे तो। सिद्धि चैनल का जो कंसेप्ट है काफी अच्छा है ये सारी चीजों में उतरना चाह रहे हैं जैसे कि कमर्शियल चैनल्स होते हैं ये म्यूजिक में उतरने जा रहे हैं फिर ये एंटरटेनमेंट चैनल्स में उतरने जा रहे हैं तो मैं इन्हें अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और यही मेरी शुभकामना रहेगी कि ये बहुत अच्छा करे। दैट्स इट। तो कमल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वी बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर फ्यूचर एंड बहुत जल्द हम आपसे फिर से मिलेंगे कि आपके नए एल्बम्स की लॉन्चिंग और दूसरी कार्यक्रम के साथ। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।